परीक्षा की तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ। मेरा घर से बहुत दबाव है कि कब नौकरी होगा, दे रहा हूँ एग्जाम, दे रहा हूँ, अच्छा कितना भी बना लेकिन रिजल्ट नहीं होता है। उसमें आरसीपी टैक्स और चौधरी टैक्स के बिना नौकरी बिहार में नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। दरोगा बहाली में हुई धांधली और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है महाछात्र आंदोलन। पटना कॉलेज से चल चुका है, साइंस कॉलेज की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कई युवा हमारे साथ हैं। हम लोग कह रहे हैं कि बिहार के सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाया जाए, बीपीएससी में से ऑप्शन ई हटाया जाए, साथ में जो बिहार दरोगा जो बहाली हुआ उसका सीबीआई जांच किया जाए, जो दरोगा बहाली अभी हुई थी उसका। और देखिए, मैं सबसे पहले लाइव बिहार आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं अरवल से हूँ। मैं यहाँ कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ। मेरा घर से बहुत दबाव है कि कब नौकरी होगा, दे रहा हूँ एग्जाम, दे रहा हूँ, अच्छा कितना भी बना लेकिन रिजल्ट नहीं होता। यहाँ पर इतना सीट बेच देता है, और बिहार एसएससी हो या बीपीएससी कोई, सब एग्जाम में यही हाल हो रहा है। अभी दरोगा का हम सोचे थे कि इस बार होगा लेकिन नहीं हुआ रिजल्ट। हम अब क्या करें, हम युवा का मन टूट चुका है। ये नीतीश कुमार ऐसा सरकार कभी नहीं देखे हैं, और इससे अच्छा तेजस्वी जो है वो ठीक है, लेकिन विपक्ष भी इस पर करें। और ये आंदोलन आरसीपी टैक्स और चौधरी टैक्स के विरुद्ध है। आज ये जो अभी बहाली निकलती है उसमें आरसीपी टैक्स और चौधरी टैक्स के बिना नौकरी बिहार में नहीं होती है, और इसके विरुद्ध आज ये पटना कॉलेज से 11 सूत्री मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास को घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने अब बिहार के अभ्यर्थी निकल चुके हैं। ये जो आंदोलन का कारवा है अब साइंस कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है, पटना कॉलेज से आगे बढ़ गया है। आपने सुना किस तरह से एक अभ्यर्थी उसमें यह बात बोल रहा है कि घर से काफ़ी प्रेशर है नौकरी के लिए, लेकिन बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली से नौकरी से अभी भी वो लगातार वंचित है। सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वही टैक्स लेते हैं उसके बाद ही बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ के अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं को नौकरी मिलती है। तो ये कारवा अब आगे बढ़ता हुआ सीएम आवास का घेराव होने की बात हो रही है। ये अभी जाएगा साइंस कॉलेज, उसके बाद एनआईटी का होते हुए आपको ये जाएगा गांधी चौक, फिर भिकना पहाड़ी और गांधी मैदान होगा, और उसके बाद सीएम आवास का घेराव की तरफ ही ये कारवा बढ़ेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।